नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कुंडली का एनालिसिस करने जा रहा हूं। पूरी कुंडली का एनालिसिस तो नहीं मैं कहूंगा करूंगा, लेकिन जो प्रेजेंट इस जातक की जो एज चल रही है, और आप ये भी कह सकते हैं कि भी इसका आने वाला समय कुछ कैसे रह सकता है, उसके बारे में तीन चार चीजें मैं इस कुंडली के बारे में बोलना चाहूँ। पहली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम किसी भी कुंडली में देखते हैं, हमें ये देखना चाहिए या ये देखना आना चाहिए कि उस जातक का जीवन किस कार्य के लिए हुआ है, यानी उसके संचित कर्म कहाँ पर हैं। क्योंकि कर्मा सिद्धांत नियम के अनुसार जो जातक का जीवन हुआ है, मैं बाकी एस्ट्रोलॉजर्स या जो गुरु लोग हैं उनकी किसी बात को नहीं काटना चाहता। मेरा एक कुंडली को अध्ययन करने का अपना तरीका है, उस तरीके के हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि जातक का जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है वो उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो हंस के करे चाहे वो रो के करे। तो इस जातक का जो संचित कर्म है वो एक राजघराने से संबंधित, एक बहुत ही उच्च परिवार से संबंधित या उच्च क्वालिटी की लाइफ को जीने से संबंधित है। चाहे ये अब कर्म अगर उस संचित कर्म को काटने के लिए अब इस जातक को अगर और अच्छे करने हैं, उस प्रेजेंट जहां पर उसका जन्म हुआ है उसको और बहुत अच्छा करना है, तो इसको एक लीडर की स्किल को इनकलकेट करना पड़ेगा। देखिए, जो सेनापति होता है वो टीम को फ्रंट पे लीड करता है और उनमें एक जान भरता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एक पिक्चर देखी होगी पीछे केजीएफ, कि आप केजीएफ के हीरो की तरह हीरो बनिए, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि अमिताभ बच्चन की जो एक्शन ओरिएंटेड पिक्चर है लास्ट में रही आप उस हिसाब से बनिए। लेकिन यहाँ पर इस जातक के कर्म ऐसे हैं कि भैया अगर संचित कर्म को काटना है तो प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में हमको करने हैं वो इसको लोगों का मास लीडर बनने के लिए करना ही पड़ेगा, लोगों का सेनापति बनना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बनता है तो ये कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अगर ये बनता है, जेन्युइनली बनता है और उन लोगों में जान फूंक सकता है, तो इसको और चीजें जीवन में अच्छी मिलने की बहुत संभावना है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो मैं इस जातक की एज देखता हूं, ये 53 साल, 53 ईयर्स अभी कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इनका जन्म जो है वो जून का है और अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं तो मार्च खत्म होने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने और 54 ईयर्स से इनका जो नेक्स्ट 7 ईयर का जो पीरियड है वो एक इनकी कुंडली के हिसाब से गोल्डन पीरियड हो सकता है। लेकिन उस गोल्डन पीरियड को एक्टिवेट करने के लिए जो मैंने अभी कहा है ये उस गाइडलाइन पे चलना चाहिए। हो सकता है इन्होंने कुछ अभी जो इनकी पास्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में जो भी सरकार है या विपक्ष के नेता हैं वो कितने मजबूत हैं, वो दोनों ही की मजबूती हमें ये चीज को बताती है कि हमारा देश कैसे प्रोग्रेस करेगा। मैं एस्ट्रोलॉजी से किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं बोलूंगा कि जो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, मेरा सिर्फ ये कहना है जितना बढ़िया नेता होगा, जितना बढ़िया नेता कंट्रोल करेगा, चाहे वो वक्त पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, देश की तरक्की उसी हिसाब से तय होती है। क्योंकि तो मैं, अगर मेरी एज भी आज 50 साल के करीब है और उस 50 साल के हिसाब से मैं देखता हूं कि पुराने नेताओं को, जब बीजेपी की अगर आज की गवर्नमेंट है, 1984 में उनकी 2 के करीब सीट्स थी, आज वो इतने यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कुछ तो मजबूती दिखाई ही होगी। अगर कांग्रेस वहां पर उतनी मजबूत थी और आज यहाँ पर थोड़ा सा उसकी स्थिति डामाडोल है, या आने वाले में कैसी रहेगी, उसके लिए उसको वो वापस मजबूती दिखाने की जरूरत है, एक विजन की जरूरत है। और विजन जो होता है वो हमेशा नेता का होता है। और इस जातक के चार्ट में चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे यूट्यूब पे भी कमेंट आके करे, लेकिन इस कुंडली में ऐसा चीज है कि ये जातक अगर उसको स्पार्क को एक्टिवेट करेगा तो ये वो चीजों को हासिल कर सकता है। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि ये क्या कर पाएगा, क्या वो एक्टिवेट कर पाएगा,
ये तभी कर पाएगा जब ये जातक अपनी लाइफ में बैलेंस रहेगा और परफेक्शनिस्ट की करेक्टरिस्टिक को इनकलकेट करेगा। अगर ये जातक बैलेंस नहीं है तो ये जो मैंने अभी तक बोला है, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि ये अचीव नहीं कर पाए। देखिए, कुंडली में कुछ आपको लिखा है, कर्म करने का रास्ता लिखा है, लेकिन कर्म करने के लिए आपको उसी रास्ते के कर्म करने पड़ेंगे। अगर ये कर्म नहीं करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कर्मा सिद्धांत नियम का जो एक कंसेप्ट है, मैं पढ़ाता हूं, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ये करोगे तो आपकी ये रेमेडी हो जाएगी। नहीं, मैं सिंपल चार्ट से ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपका चार्ट कर्मा सिद्धांत नियम के अनुसार ये कार्य करने के लिए कह रहा है, आप प्लीज ये कार्य है तो यही कार्य करने चाहिए ताकि आपका जीवन का पर्पज एटलीस्ट कम से कम पूरा हो जाए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। दूसरी बात, जो मैं भृगु नंदी नाड़ी को कभी भी पैसे कमाने के लिए नहीं बोलता हूं, जीवन को ये कर्मा सिद्धांत के नियम पे चलने के लिए उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसीलिए मैंने कर्म की जो बात की प्रारब्ध की और संचित कर्म की, वो यहाँ पर भृगु नंदी नाड़ी का कंसेप्ट लगा के इसको जातक को बोला है कि ये अपनी जिंदगी को जब तक बैलेंस और परफेक्शनिस्ट के तरीके से या कंटिन्यूअस अपने आप को इंप्रूव करने के लिए नहीं करेगा, तब तक इस जातक के ये टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात जो अभी यहां पर मैंने देखी कि अभी इस फिलहाल ये जो इनका 53 ईयर्स आ रहा था और ये अबाउट टू कंप्लीट ही है, इसमें क्या ऐसी स्थिति बनती थी कि इनके आप ये कहें कि ये जो इनकी अभी सदस्यता का, लोकसभा की सदस्यता का कुछ इशू है, ये किस रूप में निपटेगा, या ये दोबारा इनका कोई बहाली होगा, रिबेट करेंगे, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये 53 ईयर्स में इनके स्टेटस से इनकी जो कुर्सी है वो जाते हुए इस कुंडली में लिखा हुआ है, वो इसलिए गई है कि इसका एक लॉन्ग पर्पज है। लॉन्ग पर्पस क्या है कि जब एक बार जब कुर्सी जाती है तो दोबारा अच्छे से आ जाए, वो यहाँ पे हो सकता है कि इस जातक ने कभी किसी से अपना चार्ट रीड कराया हो या कोई इनके वेल विशर्स हो, वो सब चीजें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज एक मैंने यहाँ पर देखी। दूसरी ये बात देखी कि 54 ईयर से लेके जो 61 ईयर्स का 7 ईयर्स का पीरियड आएगा, ये चाहे तो अपनी पार्टी को और अपने कर्मों को बहुत ही ऊपर ले जा सकते हैं और एक रिवाइव की डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये अगर वहां पर करें। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर ये देखता हूं कि क्या ये वाकई में ही कि जो एक मास नेता की जो छवि होती है या जो एक पॉलिटिशियन का एक सक्सेसफुल होने का जो चार्ट में कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो इनके चार्ट में है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कोई ओहदे पे या एक प्रोफेशनली बहुत ही बड़े स्टेटस पे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इनकी कुंडली में हमेशा ही एक योग है जो ये सरकार की तरफ से मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनकर या लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर सरकार से हमेशा जुड़े रह सकते हैं, लेकिन उस चीज का भी जो बने रहने का कारण है वो एक अभी जो इनको डेंट पड़ना था या जो इनके क्रैक जो इनकी एक रुकावट आनी थी वो रुकावट आ गई है, और वो रुकावट आने के बाद उसको बहुत अच्छे से लाइमलाइट पे ले जाने का भी समय भी अब इनकी कुंडली में दिखाता है। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा वीडियो मैंने आज, क्योंकि आज नवरात्रे का स्कंद माता की पूजा है, 5th नवरात्रे है आज, तो मुझे जो 5th हाउस एक एजुकेशन के प्रति मैं हमेशा उसको इंडिकेट करता हूँ, और मैं हमेशा बुध को, चाहे मेरा खुद की कुंडली में बुध डेबिलेटेड है वो, लेकिन मेरा कर्म है कि मैं अगर लोगों को एजुकेशन दूं और एक जेन्युइन एजुकेशन दूं, तो जो मेरी मरकरी का जो चार्ट की नेगेटिविटी है या जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है उसको कर्म को पूरा करने में एक सहायता मिलेगी। अब यहाँ पर एक नट सेल में इस कुंडली के ऊपर जो मैंने चीज देखी और नवरात्रे जो चल रहे हैं उसके विशेष बारे में मैं कहना चाहता था, इस जातक का जो शुक्र है वो पीड़ित है और शुक्र के प्रति इनका बेसिकली कर्मा है।
शुक्र यानी पत्नी, इनका भाग्य उदय या इनका फॉर्चुना, या आप कह लीजिए इनका फॉर्चुनेट जो पीरियड है लाइफ का, तब तक नहीं उदित हो सकता जब तक इनकी मैरिज नहीं हो जाती। अब इन्होंने मैरिज की है कि नहीं की है इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ये चार्ट भी एग्जैक्टली इनको बिलोंग करता है या नहीं करता है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, या जहां पर एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट्स हैं, वहां से मैंने इसको कंपेयर करने की कोशिश की, वहां पर मैंने इसी से मिलती जुलता यही चार्ट पाया। अगर अभी कोई भी इस चार्ट को देख रहा है और अगर ये जातक जीवन में अच्छी चीजें हासिल करना चाहता है, सबसे पहले इनको शादी करनी होगी, अपनी वैवाहिक जीवन को डिक्लेयर करना होगा, दूसरा लोगों का लीडर बनना होगा। तो जो अभी तक ये हासिल नहीं कर पाए, मेरा ऐसा मानना है वो इनको सब कुछ मिलेगा। ये मेरा किसी भी जातक की कुंडली का एनालिसिस करने का एक तरीका रहता है। ये एक अमीर है, एक सेलिब्रिटी है, एक बहुत लाइमलाइट में है, मैं इसलिए चार्ट नहीं बना रहा हूँ। मेरा अपना खुद का ये लर्निंग का एक इश्यू था, या मैं लर्निंग चाहता था कि भाई क्या, क्यों इनका 53 ईयर रनिंग में वो इनका जो सदस्यता है या कुछ डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है, वो मैंने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की। वो एक्टिवेट हो रहा था और वो 53 ईयर्स में ही एक्टिवेट हो रहा था। ये देखने के लिए फिर मैंने सोचा इसको, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो जानकारी हासिल करने के लिए देखते हैं, कुछ पिछले चार्ट्स पे मैंने जो मेन चार्ट्स हैं उनको हाइड किया था। वो हाइड इसलिए किया था, उसके लिए मैं मजबूरी बताता हूँ, कि जो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स हैं वो फीमेल भी हैं जो कोर्स को लर्न करते हैं, या मेल हैं, या वो उनका खुद का यूट्यूब चैनल होता है, प्लेटफॉर्म होता है, तो वो अगर वो स्क्रीन ऑन करते हैं, ना मैं उनकी इमेजेस दिखा सकता हूँ, ना उनका बर्थ डाटा या जो बर्थ डेट है मैं वहां पर डिस्क्लोज कर सकता हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। इसीलिए मैंने ये स्पेशली आपके लिए एक फुल फ्लैश्ड वीडियो बनाने की कोशिश की चार्ट से, कि अगर आपको ये पसंद आए तो अवश्य ही इसके ऊपर आप अपनी फीडबैक लिखिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।